हेलो गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रणव कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रकैडमी के अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूअस बिजनेस स्टडीज की सीरीज आ रहे हैं और आपको मैं कवर करवा रहा हूं चैप्टर 2 जो कि आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 वीडियो है। जी हाँ, ये पार्ट 3 वीडियो है। तो सर, बाकी के दो पार्ट कहाँ गए? बाकी के दो पार्ट आपको प्रकैडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब आप जाइएगा प्रकैडमी के प्लेलिस्ट में सेशन 22-23 बिजनेस स्टडीज में फाइंड आउट करिएगा, तो वहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाकी पार्ट्स आपको वहां पर कवर होता हुआ मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत जरूरी है कवर करना। अगर वो पार्ट आप नहीं कवर करोगे तो पार्ट 3 में हो जाएगा पंगा, मतलब प्रॉब्लम्स। तो चलो भाई, चलते चलते हंसते गाते खेलते खिलाते चलते हैं और आपको बोलते चलते हैं, जो कि आपको पता ही है कि हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप या फेसबुक पर, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको मन करे कि सर को सपोर्ट करें तो कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे प्रकैडमी के रेड बेल आइकन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, सफर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पार्ट 3 वीडियो में और आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने लास्ट पार्ट 2 वीडियो में, जैसा कि आपने देख चुका है वीडियो को, तो पार्ट 2 वीडियो में हमने कवर किया था फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो फ्योल्स की कहानियों को समझे थे और उनके कुछ सिद्धांतों को जाने थे। तो लास्ट क्लास में हमने उस चीजों को कवर किया और वहां पर मैंने 14 प्रिंसिपल में 7 प्रिंसिपल कवर करवाया। फ्योल्स के द्वारा 14 सिद्धांत दिया गया था, जिसमें 7 प्रिंसिपल आपको मैंने पार्ट 2 वीडियो में कवर करवा दिया। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्ट, बचा हुआ 7 प्रिंसिपल, 7 सिद्धांत। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, पहले वाला 7 प्रिंसिपल पढ़ के आइएगा, तब ये 7 प्रिंसिपल पढ़िएगा। तो चलिए बचा हुआ 7 प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है कि आपका टॉपिक है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पूरा 14 है, लेकिन आज हम कवर करेंगे रेस्ट, बचा हुआ 7 प्रिंसिपल, ठीक है। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो पढ़िए ध्यान लगा करके, और बिहार बोर्ड वाले आराम से मेरे लेक्चर को एंजॉय कीजिए, सुनिए, आपका काम इतना ही बन जाएगा। और जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांसेस होगा वहां पर मैं बता दूंगा। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो जानते ही हैं करना क्या है। करना यह है कि सारे के सारे टॉपिक को बढ़िया से समझना है भैया, क्योंकि भैया आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है केस स्टडीज। तो चलिए, 7 प्रिंसिपल हम लोग कवर कर लिए थे, इसलिए 8वां प्रिंसिपल आया है। बहुत प्यारा सा प्रिंसिपल है, जो हेनरी फ्योल साहब ने इसको समझाने की कोशिश किया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा है, इसको पहले मैं सुनहरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर डेफिनेशंस भी समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, कि मतलब ये सर्किल है और इसके बीच में सेंटर, मतलब पावर एट द सेंटर। और सेंटर में देखो भाई, इतना एरिया है लेकिन पावर जो है वो आपके सेंटर में है। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में सेल्स, सेल्स के अंदर पावर का है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर में। सारे भाई इतना बायोलॉजी तो आप पढ़े ही होंगे 10th में 9th 10th। तो पावर एट द सेंटर मतलब जितने भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स रहेंगे, जितने भी टॉप लेवल के लोग रहेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो एग्जिस्ट करेगा वो सेंट्रलाइजेशन में एग्जिस्ट करेगा, मतलब द पावर इन द हैंड ऑफ द सेंटर एंड द सेंटर हैव अ पावर टू मेक अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, सिद्धांत, पॉलिसी बनाने का जो पावर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों होता है, वो सेंट्रलाइजेशन में होता है। तो चलिए सर, सेंट्रलाइजेशन अच्छी बात है कि जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं, वो बंदे सेंटर में बैठे हुए, अच्छी बात है। लेकिन हेनरी फ्योल साहब ने क्या कहा कि भैया पावर तो चलो सेंटर में है, बड़े लोग के पास पावर है, क्या छोटे लोगों के पास पावर नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। पावर ये नहीं मतलब कह रहे कि हम किसी से लड़ गए या किसी से पंगा कर लिए, पावर का मतलब है कि हम अपने बातों को पहुंचा पाए आप तक, जो हमारे ग्रीवांसेस हैं, जो हमारे कष्ट है, जो हमारे दुख है, जो हमारे पीड़ा है, वो हम आप तक पहुंचा सके।
तो डिसेंट्रलाइजेशन में पावर दिया गया लोअर लेवल लोगों को, कहां वाले लोगों को, लोअर लेवल लोगों को, ताकि वो अपने कष्ट पीड़ा को शेयर कर सके किन लोगों के साथ, टॉप वाले लोगों के साथ। आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, पढ़ाई हो गया, आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आपको पता है कि सबसे ऊपर कौन रहता है, टॉप, बीच में कौन रहता है, मिडिल, और सबसे नीचे रहता है लो। तो यहां सेंट्रलाइजेशन क्या है, यहां टॉप में है, मतलब द पावर इन द हैंड ऑफ ए सेंटर, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर है पॉलिसी फ्रेमवर्क का, और पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन कहां है, ऊपर में है, और सेंट्रलाइजेशन का क्या है कि कोई भी पॉलिसी को बनाए और उसको शिफ्ट कर दे अगले के पास, अगला शिफ्ट कर देगा नीचे के पास, और नीचे कौन है, प्लेटफॉर्म एरिया, जहां पर कौन काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, वहां तक ये पॉलिसी पहुंच पाए। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, टॉप मैनेजमेंट मिडिल को बोल दिया, मिडिल लो को बोल दिया, लो वाला बेचारा प्रेम पूर्वक से प्लेटफॉर्म एरिया में रहने वाले लेबर्स को काम करवा रहा है, डायरेक्शंस कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है। लेकिन अगर मजदूरों को दिक्कत हुई, मेरे भाई मेरे दोस्त, मजदूरों को दिक्कत होगी, उसके ग्रीवांसेस को कौन सुनेगा, कौन पहुंचाएगा। हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अब मान लो टाटा, आप टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप के कंपनी में काम कर रहे हो, रतन टाटा सर उनके सीईओ पॉलिसी बनाए और उसको नीचे फॉर्मुलेट कर दिए, लेकिन उस टाटा ग्रुप में काम करने वाले वर्कर के प्रॉब्लम्स को कौन सुनेगा, डायरेक्ट रहे वर्कर तो नहीं ना जाएगा कि हम रतन भाई से मिलेंगे और उनको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि एक चेन बना दो, जैसे ऊपर से मैसेज फ्लो हुआ टॉप मिडिल लो, तो क्यों ना मजदूर से का मैसेज ऊपर जाया जाए। तो मजदूर का मैसेज कैसे जाएगा, मजदूर यहां पर मैसेज देगा लो को, लो मैसेज देगा मिडिल को, मिडिल मैसेज देगा टॉप को, मजदूर मतलब मजदूर की बातें नीचे से ऊपर चली गई, मजदूर के ग्रीवांसेस नीचे से ऊपर चला गया, फॉरवर्ड हो गया। तो हेनरी फ्योल साहब का यही कहना था, ठीक है सेंट्रलाइजेशन मस्ट नेसेसरी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो नेसेसरी। सेंट्रलाइजेशन का पावर है कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगा और वो शिफ्ट करेगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में काम करने वाला लेबर को भी पावर है कि वो अपने ग्रीवांसेस को अपने टॉप लेवल मैनेजर्स तक पहुंचाए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस्ड रहेगा, इससे होगा काम अच्छे से होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव्ड होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब अथॉरिटी जैसे मैंने बताया उसका एक्सटेंडेड वर्जन है सेंट्रलाइजेशन, और जो मैंने आपको पढ़ाया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन रहता था, सबऑर्डिनेट, अथॉरिटी में कौन रहता था, मैनेजर्स। मैनेजर्स यहां पर मान के रखे कि वही टॉप लेवल मैनेजर्स जो आपके ऊपर है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अथॉरिटी में भी होता था, मैनेजर्स डेलीगेट करते थे वर्क को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबऑर्डिनेट काम को परफॉर्म करता था। तो यहां पर भी वही बात है, सेंट्रलाइजेशन में पावर है टॉप वाले मैनेजमेंट को कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, वो शिफ्ट करें टॉप से मिडिल, मिडिल से लो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में काम करने वाले जो लेबर है, मजदूर है, उनके ग्रीवांसेस को भी सुना जाए, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस्ड रहेगा और अच्छे से काम करेगा। देख लिया यहां पर साफ लिखा हुआ, बैलेंस्ड इन द हायरार्की एंड डिवीजन ऑफ पावर। तो यहां पर क्या है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट द पावर इज सेंट्रलाइज्ड, बहुत जरूरी है पावर सेंट्रलाइज्ड हो, टू द एक्सटेंट दैट द डिसीजन मेकिंग इज जुडिशियस टू एवरी लेवल एंड नो आर्बिट्री, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल सेड दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस इन द हायरार्की, बैलेंस होना चाहिए हायरार्की में, मतलब जैसे टॉप ने मिडिल को शिफ्ट किया, मिडिल ने लो को शिफ्ट किया, उसी तरह से एक हायरार्की होना चाहिए कि मजदूर भी अगर अपने बातों को भेजे तो एक हायरार्की भेजे, मतलब मजदूर किसको भेजेगा, लो लेवल मैनेजमेंट को, लो भेजेगा मिडिल को, मिडिल भेजेगा टॉप को, एक हायरार्की मेंटेन होना चाहिए, ऊपर से नीचे तो नीचे से ही ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या भैया ध्यान से सुनिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या, डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पावर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बट सॉरी बोथ शुड बी बैलेंस्ड, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड।
आप कह दोगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है वो चल रहा है तो नहीं चल पाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है तो नहीं चल पाएगा। मतलब यहां पर वही वाला बात आ गया, गाड़ी के दो चक्के हैं, दोनों चक्का का होना जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए तो डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको सेकंड प्रिंसिपल में बताया था, अथॉरिटी भी होना चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सेकंड प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं यहां पर आकर के लिंक हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? इसको ध्यान समझिएगा, दो बार तीन बार सुनिएगा हेडफोन लगा के, और क्लास जब भी हमारा करें हेडफोन लगा करके वीडियोस को देखें। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत धांसू चीज, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है इसको पहले फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये स्केलर चेन भैया क्या है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन चलो ठीक है, जो है सो है, स्केलर चेन है। स्केलर चेन में मतलब ए जो है, यहां पर आपको ए दिख रहा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, पहले इसको समझिए। ये ए पोजीशन पर जो बैठा हुआ है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है। कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और इधर साइड डिपार्टमेंटल मैनेजर है, जैसे इधर ई वाले को मान लीजिए सेल्स मैनेजर, बी वाले को मान लीजिए एक मिनट, सेल्स इसको हटाते हैं, यहां कर देते हैं आपको फाइनेंस मैनेजर, तो अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो गया, यहाँ फाइनेंस मैनेजर कर देते हैं, यहाँ मार्केटिंग मैनेजर्स, यहाँ सेल्स मैनेजर्स कर देते हैं, एफ में सेल्स मैनेजर्स कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं आपका प्रोडक्शन मैनेजर। होता है क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे वाले लोग पॉलिसी बनाए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए बी को दिया, मीटिंग हुआ, जैसे कैसे मीटिंग होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे मीटिंग होता है, तो ए ने अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क को बी को दिया, ई को दिया, अब ई वाला पॉइंट एफ को डिस्ट्रीब्यूट किया, एफ से जी तक गया। उसी तरह से ए ने पैरेलली बी को मीटिंग में कुछ चीज़ें समझाया, पॉलिसी समझाया, बी ने अपने बातों को सी को ट्रांसफर किया, सी ने डी को ट्रांसफर किया। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया तो उसने फाइनेंस मैनेजर को भी बताया, उसने मार्केटिंग मैनेजर्स को भी बताया, फाइनेंस मैनेजर सेल्स टीम को कंडक्ट किया, सेल्स मैनेजर्स को समझाया, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को समझाया, इस तरह से प्रोसेस चला। लेकिन आपको यहाँ पर एक डॉट 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 एक लाइन आपको दिख रहा है, ये डॉट 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 लाइन दिख रहा है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बिहार बोर्ड वाले ध्यान दीजिएगा, और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी बनता है, पक्का बनता है जो अभी बता रहे हैं। ये डॉट 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 लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है गैंग प्लैंक। क्या लिखा हुआ है? गैंग प्लैंक। अच्छा, ये गैंग प्लैंक बनता कब है, ये इसकी जरूरत कब होती है? तो सबसे पहले सुन लीजिए, ये गैंग प्लैंक बनता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं कि सडनली मेरा कार का ऑटोमोबाइल का कंपनी है, मेरे ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, और मान लीजिए कि श्रीलंका से, ऐसा तो स्थिति अभी श्रीलंका का है नहीं लेकिन फिर भी एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, श्रीलंका से डिमांड आया कि हमें आपके कंपनी का 1000 कार चाहिए एक मंथ के अंदर, और आपको पता है सेमी कंडक्टर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है, कार लेट से डिलीवर्ड हो रहा है, तो भैया चैलेंज हमारे पास क्या आया कि 1000 कार को डिलीवर करना एक महीने के अंदर, कहां से ऑर्डर आया? श्रीलंका से ऑर्डर आया। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर कंडीशन क्या बनता है कि सर हमें तो जाहिर सी बात है कि हमें तो करना है काम, हमें तो बेचना है, जो हमारे डिमांड्स आ रहे हैं उसको तो कंप्लीट करवाना है, तो हम क्या करेंगे ना, इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे, और यहां पर थोड़ा सा फिगर को रफ कर देंगे, गैंग प्लैंक समझाना है, तो इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे, और इमरजेंसी बैठक में जो ए पॉइंट में बैठा हुआ है टॉप लेवल मैनेजर्स, वो तुरंत मीटिंग बैठाएगा और उस वो बुलाएगा बी को और ई को। मतलब यहाँ पर नाम हम फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजर रख दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोई ना कोई मैनेजर समझिए, यहाँ ये एक क्या करेगा, ए बैठा हुआ जो टॉप लेवल मैनेजर्स है ये तुरंत मीटिंग बैठाएगा
और ये मैसेज तुरंत बी को देगा, ए बी को मैसेज देगा, पैरेलली ए ई को मैसेज देगा कि भाई काम को जल्दी स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि 1000 कार को डिलीवर करना एक महीना के अंदर, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंजेस। अब ये तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गया कि भैया एक महीना के अंदर 1000 कार, छोटे मोटे वाले बात तो है नहीं, हमको तो करना डिलीवर्ड है, अब दिक्कत है। तो ए में बैठा हुआ टॉप लेवल मैनेजर्स फटाफट बैठक बुलाएगा, मीटिंग्स करेगा और वो ए बी को मैसेज ट्रांसफर करेगा और ई को ट्रांसफर करेगा। बस 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 हो गया। इतना समय नहीं है हमारे पास कि बी सी को ट्रांसफर करेगा, ई एफ को ट्रांसफर करेगा, सी डी को ट्रांसफर करेगा, एफ जी को ट्रांसफर करेगा, इतना समय नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा था जो हम अभी ये देखें, लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आएगा तो उस समय ये केस नहीं डेवलप होगा, ये केस नहीं डेवलप होगा। मैं आपको बताता हूं कि ए मीटिंग बुलाएगा, बी को बताएगा, ए मीटिंग बुलाएगा, तुरंत ई को बताएगा। अब बी को मैसेज मिल गया, ई को मैसेज मिल गया, अब बी और ई क्या करेगा, अपने में डिपार्टमेंटल मैसेज को तुरंत ट्रांसफर करेगा। यही डॉटेड लाइन बनेगा जो गैंग प्लैंक कहलाएगा। गैंग प्लैंक का मतलब होता है इन इमरजेंसी कंडीशंस अपने मैसेज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तुरंत भेज डालो। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मैसेज को फटाक से ना ट्रांसफर कर दिया जाए, भेज दिया जाए। तो यहां पर गैंग प्लैंक इसलिए स्टेबलिस्ट होता है एट द काइंड ऑफ इमरजेंसी इंफॉर्मेशन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाने के लिए, यही डॉटेड लाइन बनता है। अब इससे क्या होगा, ए बी को ट्रांसफर किया, ए ई को ट्रांसफर किया, अब बी और ई अपने में ट्रांसफर कर लिया, तो इससे क्या हो गया ना कि मैसेज तुरंत बी को भी पता चल गया और ई को भी पता चला गया सेम टाइम में, और ये दोनों अपने अपने टीम को तुरंत कंडक्ट करेंगे। और ये लोग क्या करेगा, फाइनेंस मैनेजर बोलेगा जल्दी से हम फाइनेंस कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करिए, और यहाँ मार्केटिंग वाला कहेगा कि हम प्रचार करते हैं, प्रचार करिए और जल्दी से प्रोडक्शन करिए, जल्दी से सेल करते हैं। मतलब फाइनेंस करो, पैसा रेडी रखो, प्रोडक्शन चालू करो, तब तक प्रचार होगा और तब तक हम सेल्स मैनेजर सेल्स मैनेजमेंट अपना कंट्रोल करके तुरंत गाड़ी को डिलीवर्ट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन समझ रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ए में बैठा व्यक्ति यह मैसेज को ऐसे ऐसे ट्रांसफर करेगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अगर मैसेज को जल्दी ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर ए में बैठा हुआ व्यक्ति इस पॉइंट को बताएगा और इस पॉइंट को बताएगा, और ये दोनों पॉइंट में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, ठीक है, जो ई मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये आपस में मैसेज को तुरंत कोऑर्डिनेट करेगा और यही कोऑर्डिनेशन को कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, तो गैंग प्लैंक से केस स्टडी बनता है, गैंग प्लैंक से बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से ध्यान रहेगा, स्क्वायर चेन से भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे डेफिनेशंस को, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल में बेहतरीन ढंग से समझा दिया है, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, इस फिगर को अच्छे से एक दो बार और देख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर हेनरी फ्योल साहब ने कहा, कौन कहा, हेनरी फ्योल साहब ने, क्योंकि बहुत स्कॉलर व्यक्ति है जो इंजीनियर थे लेकिन अपने मैनेजमेंट स्किल डेवलप किया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को लेकर के और एक बैंक रेटेड कंपनी को मुकाम तक पहुंचा दिया। यह कहानी आप सुने हमारे द्वारा। तो ऑर्डर ऑर्डर में कहा कि हेनरी फ्योल साहब ने कहा ना किसी भी सामान को ऑर्डरली रखो। ऑर्डर मतलब एक 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 सही ढंग से रखो, एक प्रॉपर वे में रखो। जहां पर बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है मेडिसिन का दुकान, मेडिसिन का दुकान, मेडिसिन का दुकान में आप जाते होगे और कहते होगे कि भैया पुर्जा लेकर गए, बोले भैया फला 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 दवाई दे दीजिए, डॉक्टर साहब लिखे फला फला दवाई दीजिए। अब केमिस्ट क्या करेगा, केमिस्ट उसको कहते हैं जो मेडिसिन दुकान में बैठता है दवाई देता है आपको, वो केमिस्ट क्या करेगा, फटाफट ये कोना ये कोना ये कोना ये कोना ये कोना ये कोना से दवाई निकालेगा, फटाफट आपका झोला में डाल देगा। इतना जल्दी वो क्यों डाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दवाई जो डॉक्टर साहब लिखे वो यहाँ पर रखा हुआ है, नेक्स्ट दवाई जो डॉक्टर साहब लिखे वो यहाँ रखा हुआ है। मतलब जितना पुर्जा में जो दवाई उसको पता है कि वहां पर रखा हुआ है, क्योंकि उसने जो उस केमिस्ट ने ऑर्डरली किसी सामान को मैनेज करके ढंग से रखा है, जिससे है क्या है कि टाइम का सेविंग है। तो हेनरी फ्योल साहब ने कहा समय बर्बाद होता है, कब होता है, जब आप समय सामान को बिखेर के रखते हो। अब देखते हो ना, बुक कॉपी आप बिखेर के रख दिए, अब आपको कोचिंग जाने का टाइम आता है तो आप क्या करते हो, कोई भी कॉपी उठाते हो चल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज पढ़ाई हो रहा है उसी की कॉपी या नोट्स जाने चाहिए। ये स्कूल में भी होता है, कोचिंग में भी होता है कि जो पढ़ा टेबल पर उठा के चल गए। नहीं, अगर आप किसी सामान को ऑर्डरली उसको रखे हुए अच्छे ढंग से, तो आप आराम से उस चीज को पिक कर लोगे किसी भी टाइम में जब आपको जरूरत पड़े। तो ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल का बात नहीं हो रहा है, इक्विटी का मतलब हो रहा है बात है इक्वालिटी। हेनरी फ्योल साहब ने बोला कोई भेदभाव नहीं करना रे भाई,
सबको एक जैसा ट्रीट करना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन, सबको एक जैसा ट्रीट करना है। जैसे ग्रुप ए लेवल के जो एम्प्लॉय होंगे, ग्रुप ए लेवल के जो एम्प्लॉय होंगे, मान लो उनका सैलरी 90,000 है पर मंथ, तो हर ग्रुप ए एम्प्लॉय को 90,000 पर मंथ मिलेगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो क्यों ना फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, कोई भेदभाव नहीं। उसी तरह से ग्रुप डी में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, एक ही कंपनी में हर लेवल पर काम, ग्रुप का काम करने वाला एम्प्लॉय है, ग्रुप ए है, ग्रुप डी है, बी है, सी है, तो ग्रुप ई सॉरी ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय को मान लीजिए 25,000 पर मंथ मिल रहा है, तो ग्रुप डी में आने वाले हर एम्प्लॉय को 25,000 पर मंथ मिलेगा, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, उस ग्रुप में हो। मतलब जो ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो एम्प्लॉय, उसको सेम सैलरी मिलेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का यहां पर सेंस है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय स्टेबल होना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या, एम्प्लॉय आपके स्टेबल होने चाहिए। मतलब कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे नारुष्ट हो जाए किसी भी कारण से और आपका कंपनी छोड़ के भाग जाए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है तो अच्छे साल तक काम किया रहता है, 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल। तो ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल, तो उसको हो गया एक्सपीरियंस। क्या हो गया एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आपके कंपनी के बारे में जानता है, समझता है। तो वो व्यक्ति को आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहना जरूरी है। अगर 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर के ये बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन से भाग जा रहा है, तो इसके जगह पर कौन आएगा, फ्रेशर्स आएगा, कौन आएगा, फ्रेशर्स आएगा मे बी, या इसके जगह पर बहुत ज्यादा होगा तो 3 साल एक्सपीरियंस लेकर के कहीं से कोई बंदा आएगा, तो वो 15 साल के एक्सपीरियंस वाला को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। 15 साल जो कंपनी में आपका काम किया है, उसका जगह कभी भी फ्रेशर्स या 3 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं ले पाएगा, उसको समय लगेगा उस चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। इसलिए हेनरी फ्योर साहब ने कहा कि कोशिश ज्यादा किया जाए कि अपने एम्प्लॉय को स्टेबल रखा जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहने का मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचते रहो, हमेशा इनोवेटिव आइडिया डेवलप करते रहो, कभी खाली मत बैठो, हमेशा अपने कंपनी के बारे में सोचो कि कैसे हमारा कंपनी उड़ेगा, आसमान छुएगा। तो इस चीज के लिए हमेशा इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं डाल दो कि भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठे हुए वो लोग करे यार हमारा क्या, ये ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के लिए हमेशा कंपनी में कहीं भी काम होता है तो एम्प्लॉय से भी उसका फीडबैक मांगा जाता है कि आपके कंपनी आपके लिए क्या कर सकते हैं, या आपने अपने कंपनी के फ्यूचर्स कहाँ देख रहे हैं, क्या होना चाहिए। फीडबैक लेती है बहुत सारी कंपनी एम्प्लॉयज से कि क्या होना चाहिए। एंड दिस वन इज द लास्ट 14 प्रिंसिपल, 14 सिद्धांत यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, जो है स्प्रिट डिकॉप्स। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लीगल टर्म्स है, लॉ वाला टर्म्स लग रहा है, तो इसको हम आसान बना देते हैं। स्प्रिट डिकॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क। क्या होता है टीम वर्क, ये हेनरी फ्योर साहब ने बोला कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल जाओ जहाँ टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क बोले तो बहुत अच्छे से आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेशंस। तो जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है भैया, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम एग्जिस्ट नहीं होगा, कोई काम धंधा पानी अच्छा से नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट, स्पीडी कॉप्स। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप देख लीजिए, तो ये आपका डेफिनेशन, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो स्पीडी कॉप्स मतलब क्या होता है कि एक टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया। तो एक टीम वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे आपका कंपनी अच्छे से रिजॉल्व करे। तो भैया यही 14 के 14 पूरे सिद्धांत है मेरे भाई, जिसके दम पर हेनरी फ्योर साहब ने एक बैंकरप्टेड कंपनी को डूबने से बचा दिया, आसमान तक ले गए। तो चलिए सातों के साथ प्रिंसिपल को एक बार फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा हम लोग का। तो पहला क्या है, मतलब पहला नहीं आठवां है, आठवां क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर इन द हैंड ऑफ लेबर, निचले लोगों को पावर जो अपने ग्रीवांसेस को अपने कष्ट को ऊपर शेयर कर सके। स्कैलर चेन नॉर्मल कंडीशंस में मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन वहां पर बनता है एक गैंग प्लैंक। और गैंग प्लैंक क्या होता है, जो इमरजेंसी के कंडीशंस में मैसेज को जल्दी से ट्रांसफर किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। स्कैलर चेन में क्या होता है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पिरामिडल स्ट्रक्चर ये कहता है कि मैसेज एक हायरार्की में फ्लो कर रहा है, हायरार्की में,
लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशन आ जाए और वहां मैसेज आपको हमको तेजी से फ्लो करना है, तो एक मैसेज एक हायरार्की से दूसरे हायरार्की, एक हायरार्की से दूसरे हायरार्की में जाएगा और फिर बीच में एक चेन डेवलप हो जाएगा जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, ऑर्डर मतलब सामान को अच्छे से ठेठ भाषा में कहें लेमन लैंग्वेज में तो सरिया के रखिए ताकि आपको आसानी से मिल जाए। इक्विटी मतलब इक्वालिटी रखिए, कोई भेदभाव नहीं करिए, जो ग्रुप का एम्प्लॉय है उसको सेम सैलरी मिलना चाहिए, सेम वेजेस मिलना चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही मिलेगा। इनिशिएटिव जो है, इनिशिएटिव मतलब हमेशा इनोवेटिव आइडिया डेवलप कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैसे आगे बढ़ेगा। और लास्ट वन इज स्पिरिट डिकॉप्स, स्पिरिट डिकॉप्स मतलब टीम वर्क कोऑर्डिनेशन, मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चलेगा, इसलिए स्पिरिट डी कॉप्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी चीज मैंने एग्जांपल में समझाया है, सीबीएसई वालो ध्यान से सुनो, सीबीएसई वाले ध्यान से सुनो, जो भी बातें मैंने आपको समझाया इसी को दिमाग में रखना। केस स्टडी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, या इससे पहले भी मैंने पार्ट टू में जो पढ़ाया, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने बोला है, उस कीवर्ड को याद रखना, केस स्टडी आएगा यहां से बन जाएगा, गारंटी हम देते हैं। 5 साल कोचिंग में पढ़ाया हमने और हमें पता है कि बन जाएगा। ठीक है, तो केस स्टडी के लिए तो कभी टेंशन नहीं लीजिएगा। और यह मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास सीबीएसई वालों का ही है। क्यों सर ऐसा क्यों भेदभाव? तो पार्ट फोर जो वीडियो अब आएगा, ये पार्ट थ्री वीडियो है, पार्ट फोर वीडियो जो आएगा वो सीबीएसई वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम केस स्टडी भी सॉल्व करवाते हैं। तो केस स्टडी सीबीएसई वालों को सॉल्व करना होता है, बिहार बोर्ड वाला को तो होता नहीं, आईसीएसई वालों को होता नहीं है। तो केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? आपका मीनिंग्स आएगा, करेक्टरिस्टिक्स आएगा, इंपॉर्टेंस आएगा और फ्यूल के टोटल 14 प्रिंसिपल, मतलब ये सब कवर होगा उस केस स्टडी में। तो केस स्टडी नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, उसको कभी भी आप मिस नहीं करिएगा। मिस भी करके तो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर है ही, इसको एक बार दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि केस स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट क्लास करेंगे केस स्टडी ये टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अभी बताया। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस कम आ रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि यार मेहनत कर रहे हैं जो मिल नहीं रहा है रिटर्न में। तो ठीक है, आपको जीन्यून लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब कर दे, लेकिन एक हद तक जो एक आत्मविश्वास है कि हाँ एक कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, 10% जो भी अच्छा कर रहे हैं, तो सपोर्ट मिलना चाहिए जो मिल नहीं रहा है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे दोस्तों कि कृपया हमारे प्रकेडमी चैनल्स को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इतना तो कर दो हमारे लिए कि अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक लगा करके शेयर कर दो, फेसबुक पर शेयर कर दो वीडियो का लिंक, और या सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब। फ्री लेवल पर क्लासेस दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे तक जो भी ज्ञान है जो मेरे पास है वो पहुंच सके, तो सब्सक्राइब कर दो भाई, लास्ट थिंग यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और कमेंट्स जा करो, अगर कहीं इशू है, कहीं डाउट्स है तो आप कमेंट्स करो, कमेंट्स के लिए बार बार आपको बता ही रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप हमारे पास कमेंट कर सकते हो, वीडियो के पास भी कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी हर एक वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप अपने मैसेज को शेयर कर सकते हो और पर्सनली आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, लव यू, टाटा। और बस इस पर ध्यान देना यार, जो सब्सक्रिप्शंस है वो नहीं आ पा रहा है, और आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो फिर तो कहना ही नहीं है भैया, बहुत अच्छा होगा। और तमाम वीडियोस सब आते रहेंगे टाइम पर, और हम लोग मतलब यहाँ पर पूरा टीम में हम ही हैं एक, जो सब कुछ करते हैं अरेंजमेंट। तो हम लोग मतलब हम और हमारे प्रकेडमी के फैमिली बोर्ड के अंत तक आपके साथ रहेंगे और आपको जम करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे जनवरी से। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, शेयर करेंगे आपके साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट फोर वीडियो सीबीएसई वालों के लिए केस स्टडी। ठीक है, बाय बाय।